इस ब्रदर का नाम अंग्रेज सिंह है, जो सिटी सूरज एवेन्यू के रहने वाले हैं। इस ब्रदर की गवाही जे है कि जे ब्रदर ने न्यू प्लॉट लिया था और जिसकी इस ब्रदर ने जो बयाना था वो 3 लाख दे चुके थे और उसका 4 लाख रहता था, और जिस जो कि जे ब्रदर बताते कि इनके पास अभी 4 लाख नहीं था, तो इस ब्रदर ने बताया कि जिनसे जो वो जगह ली थी उसका अभी 3 महीने का इनको टाइम मिला था कि जो बाकी के पैसे वो 3 महीने के बीच में दे देंगे। पर इस ब्रदर ने ऐसे पैसों के कारण एक लोन भी करवाया था और उसके भी पैसे लोन वाले को कुछ दिए थे, जैसे 25,000 रुपया दिया था, और वो लोन वाले ने वो जो लोन था वो अप्लाई नहीं थे करे, कोई ना कोई काम से कारण वो इनको ऐसे बताते थे कि अभी होगा नहीं, कुछ समय रुक जाओ, और ऐसे वो समय काफ़ी लंबा लेकर जा चुके थे और वो लोन भी नहीं था हो रहा। और फिर इस ब्रदर ने बताया कि इनने रजिस्ट्री भी करा चुके थे, उसके जो कागज़ थे उसके अभी 40,000 रुपया जो ब्रदर ने दे दिया था। तो जैसे वो टाइम जो 3 महीने का था वो प्लस हो चुका था, 1 महीना और बढ़ चुका था, और उस ब्रदर ने बोला कि जो जिस जगह का आपने बयाना किया है, अगर आपने 4 लाख नहीं दिया तो जो जितने भी पैसे आपने हमको दिए हैं वो एक आपके मिट्टी हो जाएंगे, वो भी वेस्ट ही है, क्योंकि जो बहुत परेशान थे और जो ब्रदर जानते थे कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर कभी कभी जो बताते कि मेरे मन में ऐसे मुझे लगता था कि इतने पैसे मैंने मेहनत के साथ ऐसे कमाए हैं तो जो मैंने दिए हैं अगर मेरे पास ना होए तो क्या होगा, जो परेशान तो रहते थे। पर कभी कभी जैसे हमारे मन को दोष लगता है, जी बताते कि ऐसे मेरा मन बहुत परेशान रहता था, और जैसे जी संगति में आते रहे और प्रार्थना में बने रहते थे, और जब पिछले संडे जब मीटिंग में आए और जब बताते कि जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और बता रहे कि आज सब गवाहियों के साथ आओगे, तो जी उस दिन विश्वास के साथ आए थे कि परमेश्वर सच में जो जी मेरा काम रुका है आप वो कर चुके, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर पृथ्वी और काश को बनाने वाले हो, और जब मेरा काम भी बड़ा नहीं है। तो जैसे जी प्रार्थना कर कर गए और नेक्स्ट डे इस ब्रदर ने प्रभु के दास के साथ मीटिंग की, और प्रभु के दास ने बताया कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको जिस जगह के साथ परमेश्वर ब्लेस कर चुके हैं और आप गवाही के साथ आओगे। और जैसे इस ब्रदर ने सीखा और जी बताते कि वो लोन तो अप्लाई नहीं था हुआ, पर सिर्फ एक दिन में ही परमेश्वर ने 4 लाख रुपए का इंतजाम किया। तो जी ब्रदर बताते कि अब जो जगह है वो परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया है, और जी बहुत खुश है कि जो इस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने इनको निकाला है, और परमेश्वर की इस गवाही के साथ जी धन्यवाद करते हैं। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो सुनो, देखो परमेश्वर कितना महान है। हाँ, सच में अपने लोगों की वो चिंता करता है। क्या करता है? चिंता करता है। पर कई लोगों को लगता है कि नहीं, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं। बाइबल में लिखा, जिसने तुम्हें आंखें दी क्या वो तुम्हें देखता नहीं, जिसने तुम्हें कान दिए क्या वो तुम्हारी सुनता नहीं, वो सबको देखता और सबकी सुनता है। आप इसकी गवाही अभी सुनिए अपनी। अगर मान लो इन्होंने लोन, जैसे जो जगह इन्हें चाहिए थी घर बनाने के लिए, तो इन्होंने लोन को पहले अप्लाई, बयाना पहले कर लिया और लोन को बाद में अप्लाई किया। ऐसे किया था? हाँ, ऐसे किया है ना। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने जैसे कुछ लोग पहले कहते हैं कि पहले लोन अप्लाई करते हैं, फिर अगर लोन उनका पास हो तो फिर बयाना करते हैं। पर इन्होंने ऐसे, ये खुदा पे विश्वास करते थे, इन्होंने बयाना पहले कर लिया और इन्होंने लोन बाद में अप्लाई किया, पर इनका लोन क्या नहीं हो रहा, हो नहीं रहा था। और जिसकी वजह से अगर इनका लोन ना होता तो जो इन्होंने प्लॉट ले रखा था उसका आपने कितना बयाना दिया था? 3 लाख रुपया। तीन लाख बयाना देता ही, 35,000 रुपया लोन वाले ने दिता है, 40,000 रुपया जिगटरी वाले ने दिता है। अच्छा, देखो 25,000 रुपया जिस बंदे ने लोन करवाना था उसे दे दिया। हाँ, 3 लाख रुपया जिसकी जिससे प्लॉट लिया उसका बयाना करवा लिया, और 40,000 पहले रजिस्ट्री पहले करवा ली। रजिस्ट्री बयाने वाला कहना है जी पहले फोन तुझे बयाना कर लो, रजिस्ट्री मतलब टैप सारी कर लो कागजा दे, मतलब तो मैं तुम्हें चैक दवा दाँगा बैंक थ्रू, बाद
चार पांच महीने इदा लंबा लै गया, वसीका भी कला पी जाता जी, ताकि जेटरी रद्द हो जानी है, उत्ते लीका मार देनिया तहसीलदार ने, टाइम ताडा लंघ गया एक करी, हुण दूसरी वार उहने टाइम नहीं देना। तो वो एंड ते जो आन के उन्हें मैं लोन वाले ने बिल्कुल जवाब देता जी, ताडा नहीं हो सकता जी, बैंक ने ना करती ही है। तो मैं जिते विश्वास करता जी, मैं पता ही होना ही है जी वो ना च, तो प्रवेश ने करना है, तो उन्हें इधरों नहीं तो इधरों करता जी मेरा। ओके, मतलब लोन वाले ने कितना टाइम दिया था कि आपको लोन मिल जाएगा इतने समय में? उन्हें मैंने सर क्या है महीने का। और कितना टाइम लगा दिया उसने? 5 महीने लग गया। 5 महीने। और जिनसे आपने प्लॉट ले रखा था उन्होंने आपको कितना टाइम दिया था? उन्हें 3 महीने था। 3 महीने। हाँ, देखो फिर भी अगर इनके साथ परमिशन ना होता, क्योंकि टाइम फिर बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि आपने 3 महीने का टाइम लिया था ना। उन्हें मैंने सिर्फ अगे मतलब मैं कहता है भी तुझी बंदा ठीक ही, कहता चल जे तेन पैसे मिलते आ कोई गल नहीं तू ले ला एक अद्धा महीना पा। हाँ, उसने टाइम बढ़ा दिया है ना, 3 महीने का टाइम था लोन की वजह से टाइम बढ़ा दिया। अगर कोई बंदा ऐसा होता, संसार में ऐसे भी होते हैं, और ये सब कुछ अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो नहीं होता। हाँ, क्योंकि लोगों को देखो, क्योंकि अगर जैसे प्लॉट लिया, ब्याना कर लिया और 3 महीने का टाइम लिख दिया, क्योंकि अगर उस डेट में अगर किसी ने अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई तो वो ब्याना मर जाता है। क्या जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, वो पैसे गए बोलो, पर परमेश्वर भला है जिसने उसके उस बंदे के मन में भी अपनी दया को ढाला और उसने कहा ठीक है आप अपना लोन करवा लो और मैं महीना 2 महीने और रुक जाता हूं, महीना 2 महीने और भी रुक जाता हूं। अगर परमेश्वर साथ ना होता तो शायद 3 लाख का क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। क्या हो जाता? नुकसान हो जाता। पर परमेश्वर सच्चा है जिसके हम साथ चलते हैं, वो ऐसा नहीं। कई लोगों को लगता है कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, कई बार ऐसे लगता है बोलो, कई बार लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, पर ऐसा नहीं है। हा? और देखो, जब मेरी परसों की बात है ना, परसों मेरे से आपकी बात हुई ना, परसों सुनो, जब परसों इनकी मेरे से बात हुई तो मैंने कुछ चीजें बताई इन्हें, सिखाया कि नहीं ऐसे उस बंदे को बोलो। और उस बंदे ने पहले तो इन्हें रोज जैसे लारा लगा रहा, कल करेंगे, परसों, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में, मैंने कुछ चीजें बताई, उसे साफ कहो अगर कर सकता है, नहीं तो हमारे पास बंदा है। जैसे इन्होंने कहा तो उसने फिर ऐसे कहा नहीं हो सकता, और उस बंदे ने तो इन्हें ना कर दी। हाँ, पर परमेश्वर जिस पर ये विश्वास करते थे, जिसकी ये आराधना करते थे, जिस पर ये भरोसा करते थे, वो जानता था। हाँ बोलो, वो जानता था और उसे पता था, बोलो क्या है, वो जानता था कि ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने मेहनत से कमाया है। क्या कमाया? इन्होंने मेहनत से कमाया, और परमेश्वर अपने लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होने देता। हाँ, और कल लास्ट डेट थी ना, है ना, कल लास्ट डेट थी, है ना, और कल ही परमेश्वर ने कितने लाख का इंतजाम किया? 4 लाख का। 4 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। देखो ये छोटी बात नहीं है, 5 महीने हो गए लोन के लिए। हाँ, कि लोन हो जाए तो हमारी रजिस्ट्री हो जाए। हाँ, समझते हो, और कल परमेश्वर ने 4 लाख का इंतजाम कर दिया। कैसे हो गया ये सारा इंतजाम, थोड़ा सा बताओ लोगों को। सर पता नहीं, परमेश्वर ने किया ये। अच्छा, जिनसे आपने लेने से या किसी से, है ना, ऐसे ले लिए? किसी ने ना ही नहीं की थी जी। हाँ, देखो पर मैं जब कैसे हम बोलते हैं, यहोवा जदो नाल होवे। हाँ, कौन बोलेगा? हाँ बोलो, थोड़ा सा बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये देखो, सुनो 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 सुनो, करवास इसके या उस। हाँ, सच में हालेलुया। हाँ बोलो, यहोवा जदो नाल होवे,
ते समुद्रा चोरा बन जांदे ने यहोवा जदों नाल होवे क्या है यहोवा जब साथ हो मतलब नाल तो समुद्रा जो भी राम मिल जाते ने हाँ क्या मिल जाते ने परमेश्वर ऐसा खुदा है जो अपने लोगों के लिए समुद्र को भी धोबा करने की ताकत रखता है। देखो कैसा परमेश्वर है। हाँ ऐसा कभी हो सकता है कि पानी पानी दो हिस्से हो जाए पर अपने लोगों के लिए परमेश्वर पानी भी दो हिस्से कर देता है। क्या कर देता है परमेश्वर अपने लोगों के लिए परमेश्वर पानी को भी दो हिस्से करना जानता है। समझ आई है जैसे इसके लिए उसने कर दिया। हाँ सिर्फ इसके लिए नहीं वो सबके लिए करना चाहता है। क्या करना चाहता है वो सबके लिए करना चाहता है पर सबके सब एक ही विश्वास में रही। हाँ अपने विश्वास में डगमगाए ना आगे पीछे ना हो उसमें बने रहे। क्या रहे उसमें बने रहे जैसे ये बने रहे। एक समय लगता था पर मैंने कुछ चीजों को बताया और इन्होंने अपने मन को अच्छा किया। आज देखो गवाही के साथ आई। हाँ आज इन्होंने परमेश्वर ने अपनी गवाही के साथ क्या कर दिया खड़ा कर दिया। इसलिए इस बड़ी गवाही के लिए हम जोर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में पूरे दिल से पूरे खुशी से भाई हाथों को हलाते हुए ये छोटी बात थी। किसी का एक मेहनती बंदे का तीन लाख रुपए का नुकसान हो जाए ये छोटी बात नहीं। जिसके पास तो बहुत है उसकी तो खैर छोड़ो बात। हाँ जो मेहनत से कमाता है हाँ ये ड्राइवरी करते हैं ड्राइवरी। हाँ किसी की कार चलाते हैं ड्राइवरी करते हैं ये तो मेहनत से कमाते हैं। अभी मेहनत का पैसा 3 लाख ऐसे चला जाए मिट्टी में तो दुख होता कि नहीं होता है ना। पर वो सच्चा खुदा है क्या हो जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसीलिए लिखा ना दाऊद कहता जितनों ने उसकी ओर है ना ऐसे दृष्टि की उनके मुख उछले हो गए उनके मुंह कभी काले उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा परमेश्वर आपको किसी भी बात में लज्जित नहीं होने देगा शर्मिंदा नहीं आपके मुंह काले नहीं होंगे। आमेन हालेलुया हालेलुया।